वहीं चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने 8 अप्रैल को बाजार खुलने को लेकर ऑड इवन लागू किया था, लेकिन बाजार खुलते ही भीड़ ज्यादा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई। ऐसे में कलेक्टर चेतन देवड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने निर्णय लिया, अब जिले के बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक रोजाना खुलेंगे। साथ ही दुकानों से सामान खरीदने के लिए आने वाले लोग घरों से पैदल ही आएंगे। दूध, फल, सब्जी, मेडिकल की दुकान, डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान, ये हमेशा खुली रहेगी। और इसके अलावा जो राशन की दुकान है वो एक दिन छोड़ के एक दिन खुलेगी। हमारे पीछे मकसद ये था कि राशन की दुकान पर आदमी को हर दिन जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर हमारा पिछले 4 दिन का अनुभव ये रहा कि लोगों को बहुत समझाने के बावजूद भी लोग एक एक आइटम खरीदने के लिए किराने की दुकानों पर जा रहे हैं, तो इससे मार्केट में प्रेशर बढ़ा। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब हम जो है दुकानों को सुबह 7 से 11 डेली खोलेंगे, ताकि लोगों की भीड़ नहीं बढ़े और आराम से लोग अपनी खरीदारी कर सकें।